कभी कहेंगे तीन पेपर अलग रहेगा, कभी कहेंगे मल्टीपल दिन में होगा, कभी कहेंगे हम लोग आखिरी दिन में भी चेंज कर सकते हैं, सचिव कुछ और बोलेंगे, अध्यक्ष कुछ और बोलेंगे, बाहर मीडिया में कुछ और आएगा, ये क्या चीज बना के रख लिए लोग। एक हफ्ता बच गया है विद्यार्थियों को, बताइए कितना दुर्भाग्य होगा कि चाणक्य की धरती पर अगर ऐसा होगा कि एक हफ्ता पहले अगर कहा जाए कि हम लोग को प्रोटेस्ट करना पड़े। एक एग्जाम, एक पेपर, एक शिफ्ट, हम लोग को और कोई मांग नहीं है, हम यहाँ से लौट जाएंगे। जब तक हम लोग की मांग है, जब तक नॉर्मलाइजेशन खत्म नहीं होगा, हम यहाँ से नहीं हटेंगे, नहीं हटेंगे, इसी जगह से नॉर्मलाइजेशन रद्द करा कर जाएंगे और शांति जाएंगे। आप लोग को भरोसा है ना? कभी कहेंगे तीन पेपर अलग रहेगा, कभी कहेंगे मल्टीपल दिन में होगा, कभी कहेंगे हम लोग आखिरी दिन में भी चेंज कर सकते हैं, सचिव कुछ और बोलेंगे, अध्यक्ष कुछ और बोलेंगे, बाहर मीडिया में कुछ और आएगा, ये क्या चीज बना के रख लिए लोग, बताइए। एक अध्यक्ष महोदय ने हम लोगों से कहा था कि 15 तारीख को हम विद्यार्थियों से बात करेंगे, बताइए अध्यक्ष महोदय क्यों नहीं बात किए आप लोग? हम लोग से विद्यार्थी पूछता, हम लोग क्या जवाब दे दे यहाँ पे, हम लोग को मजबूर किया गया। एक हफ्ता बच गया है विद्यार्थियों को, बताइए कितना दुर्भाग्य होगा कि चाणक्य की धरती पर अगर ऐसा होगा कि एक हफ्ता पहले अगर कहा जाए कि हम लोग को प्रोटेस्ट करना पड़े। हम लोग नहीं चाहते हैं, बस एक बार अध्यक्ष महोदय अपने बात से बोल दें कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा और ऑफिशियल ट्वीट कर दें कि एक एग्जाम, एक पेपर, एक शिफ्ट, हम लोग को और कोई मांग नहीं है, हम यहाँ से लौट जाएंगे। अध्यक्ष महोदय और सचिव महोदय से कहते हैं कि आप मान लीजिए यहाँ पर ये बच्चे आप पर फूल माला चढ़ाते हुए लौट जाएंगे, हमें किसी से कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है, हम लोग भी गला फाड़ फाड़ के पढ़ाने के बाद यहाँ पर ये देखिए नॉर्मलाइजेशन की तरीका एक ऐसा है कि अगर उसमें एक भी कर्मचारी गलत नियत से निकला तो किसी को 10 नंबर बढ़ा के दे देगा। लेकिन क्या आप गारंटी ले सकते हैं कि किसी व्यवस्था चाहे जितनी भी अच्छी क्यों ना हो, उसको लागू करने वाला भी अच्छा होना चाहिए यहाँ पर। आप छोटे बच्चे के हाथ में हथियार नहीं दे सकते, भले हथियार कितना भी अच्छा हो यहाँ पर, इसलिए हम लोग कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और जब तक हम लोग की मांग है, जब तक नॉर्मलाइजेशन खत्म नहीं होगा, हम यहाँ से नहीं हटेंगे, नहीं हटेंगे। देखिए लाठी चलाने के लिए हम हाथ जोड़ के विनती करते हैं, जो भी पुलिस प्रशासन है, आप समझिए आप लोग के भी बच्चे यहीं पढ़ रहे हैं, उन लोगों को भी हम लोग पढ़ाते हैं। हम लोग धरना स्थल पे, देखिए हम लोग संविधान मानने वाले हैं, इसीलिए हम लोग कहीं सड़क पे नहीं गए, हम लोग संवैधानिक ढंग से धरना स्थल पे आए थे। ये वही जगह है जहाँ से हम लोग NCL को मनवा के गए थे और इसी जगह से नॉर्मलाइजेशन रद्द करा कर जाएंगे और शांति जाएंगे। आप लोग को भरोसा है ना? और हम लोग को BPSC से कोई उम्मीद नहीं है, हम लोग को सरकार से उम्मीद है। हाथ जोड़ के विनती करते हैं, सरकार से भी कहते हैं, इन बच्चों का चेहरा देखिए, आप एक बार 2024 में इन लोग के ऊपर एक एहसान कर दीजिए, 2025 में हम लोग ये एहसान आपको लौटा देंगे, वादा करते हैं। मंत्री अशोक चौधरी का कहना है कि तेजस्वी यादव भड़का रहे हैं। देखिए हम लोग को राजनीतिक, हम लोग को राजनीति से कोई मतलब नहीं है, जो भी कहेगा, देखिए जो भी नॉर्मलाइजेशन को रद्द करेगा हम लोग उसके साथ हैं। नॉर्मलाइजेशन नहीं एक्सेप्ट करेंगे लोग, नॉर्मलाइजेशन एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। आप शांतिपूर्ण ढंग से रहेंगे कि नहीं? अगर आप शांतिपूर्ण ढंग से तो हम वादा करते हैं, हम आपसे वादा करते हैं, खान सर का वादा है कि नॉर्मलाइजेशन रद्द करा के लौटेंगे। मोबाइल पीछे करिए ना, आनी चाहिए। शांतिपूर्ण ढंग से करेंगे ना, वादा करते हैं, हम लोग नॉर्मलाइजेशन नहीं आने देंगे तो नहीं होने देंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।